हेलो डियर स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लास। आई एम राहुल राजपूत, योर मैथ टीचर। एंड डियर स्टूडेंट, वंस अगेन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मेजरमेंट। यस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर टुडे, एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू द ए स्मॉलर यूनिट। यस, हम आज के वीडियो में आपको कुछ ऐसे यूनिट्स पे डिस्कस करेंगे जिसको हम कन्वर्ट करेंगे बेगर टू स्मॉलर डिजिट में। डियर स्टूडेंट, मेजरमेंट में हमने पिछले वन वीक से सारे सेगमेंट पे, सारे टर्म्स पे हमने डिस्कस कर लिया है। अब हमारा मेजरमेंट का लास्ट टॉपिक है, लास्ट डे है। आई होप जितने भी क्लास चले हैं आपने उसको अच्छे से क्लियर कर लिया है। चलिए आज के वीडियो में हम देखते हैं कि आपने पिछले जो भी क्लासों को अगर देखा है, वॉच किया है, गेन किया है, तो देखते हैं उसको कैसे आप इसको आज के वीडियो को फेस करते हैं। अगर आपने हमारे पिछले कई वीडियो को देखा है तो आपको ये आज का क्लास बहुत ही इजी लगेगा, क्योंकि हम आज का जो टॉपिक लेके आए हैं वो बिफोर टॉपिक से रिलेटेड है। डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू द स्मॉलर यूनिट। हमें स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करना है। जैसे एक क्वेश्चन को हम लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है 6 लीटर एंड 35 ml, माइनस 6 लीटर एंड 35 ml को हमें कन्वर्ट करना है इन स्मॉलेस्ट यूनिट यानी ml। डियर स्टूडेंट, आपको याद होगा हमने सबसे पहले जब लीटर को ml में कन्वर्ट करना आपको सिखाया था, तो सबसे पहले केवल हमने लीटर को लिया था, उसमें ml को इंक्लूड नहीं किया था। लेकिन हमारे इस क्वेश्चन में आप ऑलरेडी इसको देख चुके हैं कि 6 लीटर और 35 ml को कैसे हम ml में कन्वर्ट करेंगे, ये आपने हमारे प्रीवियस वीडियो में देखा है। इसलिए इस क्वेश्चन को करने में आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होगा, हम जानते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं 6 लीटर और 35 ml को कैसे हम ml में कन्वर्ट करेंगे। डियर स्टूडेंट, यू नो वेरी वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। यू नो वेरी वेल, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। देयरफॉर 6 लीटर एंड 35 ml इज इक्वल टू, स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इसको 6 लीटर और 35 ml को हम सेपरेट करेंगे। मींस हम लिख सकते हैं इसको 6 लीटर हमारा 6 × 1000 ml एंड 35 ml को हम यहां पे लिखेंगे प्लस 35 ml। ये तो हमारा क्या है, 35 ऑलरेडी हमारा ml में दिया हुआ है। क्या हुआ, 35 हमारा ऑलरेडी ml में दिया है, इसे हम ml में चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हमें 35 ml पहले से ही दिया हुआ है। डियर स्टूडेंट, में 6 लीटर को कन्वर्ट करना है, क्या करना है, 6 लीटर को हमें ml में कन्वर्ट करना है, और ml में कन्वर्ट करने के लिए हमें 1000 का मल्टीप्लाई करना होता है। यू नो वेरी वेल, तो डियर स्टूडेंट 6 × 1000 इज इक्वल टू 6000 ml एंड प्लस 35 ml ब्रिंग डाउन। क्लियर है, क्या किया हमने, लीटर को ml में कन्वर्ट करने के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो होगा, हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करना होगा वो है 1000 का मल्टीप्लाई। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें 1000 का मल्टीप्लाई करना होता है, दैट्स इट। अब हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 लीटर 35 ml, 6 लीटर 35 ml, 35 ml ऑलरेडी हमारा ml में दिया है, इसे हम ml में कन्वर्ट नहीं करेंगे, हम कन्वर्ट करेंगे किसे, लीटर को ml। लीटर में हमारा दिया हुआ है 6 लीटर, ml में हमने कर दिया 35 ऑलरेडी हमारा है, तो हमने क्या किया, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, देयरफॉर 6 लीटर 35 ml इज इक्वल टू 6 × 1000 ml एंड प्लस 35 ml। यहां पर 6 का मल्टीप्लाई 1000 के साथ कर लिया है, 1000 ml, 6000 ml एंड प्लस 35 ml को नीचे डाउन कर दिया है। अब हम इसको लिख सकते हैं 6000 35 ml, दोनों को हमने एक साथ ऐड कर दिया है। कैसे किया है, यहां पर हमने लिखा है 6000
ml and plus 35 ml. क्या करेंगे 505303 and 0 bring down 6 once again bring down and write the number 6 is placed 6035. कितना आसान है, कितना आसानी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं। ये है हमारा बेगर यूनिट से स्मॉलेस्ट यूनिट में कन्वर्ट करना। अभी हमने लीटर को एमएल में कन्वर्ट करके देखा है डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं किया होगा। ये आपके टॉपिक का वर्कशीट से रिलेटेड क्वेश्चन है, हमने सारे एक्सरसाइज को अच्छे से फेस कर लिया है। ये हमारा मैनेजमेंट टॉपिक का सबसे लास्ट पोर्शन है, दैट इज वर्कशीट। वर्कशीट में हम पूरे पार्ट का समराइज लेते हैं, पूरे पार्ट का हम सारे क्वेश्चन को सारे टॉपिक में एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेते हैं, ताकि हमें ये पता चल सके कि हमने पूरे एक्सरसाइज में कितना अच्छा पकड़ बनाई है। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा लीटर से एमएल में कन्वर्ट करना था, अब हम किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। आइए देखते हैं, किलोग्राम को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये हम देखेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो होगा वह सेम इसी तरीके का होगा, जैसे लीटर को हमने एमएल में कन्वर्ट किया है उसी तरीके से हम किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है 7 kg एंड 750 ग्राम। 7 kg 750 ग्राम टू द कन्वर्ट इनटू द ग्राम। डियर स्टूडेंट, यू नो वेरी वेल 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। क्लियर है, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। देयरफॉर 7 kg एंड 750 ग्राम इज इक्वल टू 7 × 1000 ग्राम, because 1 kg is equal to 1000 ग्राम. Therefore, 7 kg 750 ग्राम is equal to 7 × 1000 ग्राम and plus 750 ग्राम. Is that clear to everyone? No any confusion? Very good. क्या किया हमने? हमने सीधे-सीधे हम जितने भी केजी में दिया है ग्राम को तो हम वैसे ही छोड़ देंगे, ग्राम को हम कोई डिस्कस नहीं करेंगे, कोई नया उसमें वर्क नहीं करना है, क्योंकि हम केजी को ग्राम में ही कन्वर्ट करना सीख रहे हैं। जैसे हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था लीटर को एमएल में कन्वर्ट करना, जो एमएल में नंबर दिया गया था ऑलरेडी उसे थोड़ा भी डिस्टर्ब नहीं किए हैं और लास्ट में उसको क्या किए ऐड कर दिए। उसी तरीके का किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए यह 750 का कोई वर्क नहीं होगा, लास्ट में 750 को हम ला करके ऐड कर लेंगे। केवल कन्वर्ट करना है 7 केजी को ग्राम में। हमें पता है 1 kg = 1000 ग्राम। देयरफॉर 7 kg 750 ग्राम इज इक्वल टू 7 × 1000 ग्राम एंड प्लस 750 ग्राम आल्सो। डियर स्टूडेंट, 7 × 1000 करेंगे तो 7000 ग्राम हो जाएगा एंड प्लस 750 ग्राम। दोनों नंबर को एक साथ हम ऐड कर लेंगे, 7000 ग्राम प्लस 750 ग्राम इज इक्वल टू 0, 5, 7 एंड 7 ब्रिंग डाउन वंस अगेन। इसी नंबर को हम यहां पर ड्रॉ करेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा 7750 ग्राम। कितना आसान है, क्या कर रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं होगा, बस हमें 1000 का इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है इस क्वेश्चन में, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया था उसी तरीके का हम यहाँ पे वर्क करेंगे। लीटर को एमएल में कन्वर्ट करना है तभी 1000 का काम, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है तभी 1000 का काम, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तभी 1000 का ही मल्टीप्लाई करेंगे। मिस डियर स्टूडेंट, ये यहाँ भी हमने 1000 का किया, प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने 1000 का किया, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम 1000 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन उसके पहले हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को एक बार और आपके सामने रिपीट कर देते हैं। आइए देखते हैं क्या है 7 kg 750 ग्राम। 7 kg 750 ग्राम को हम क्या कर रहे हैं, ग्राम में कन्वर्ट करना सीख रहे हैं। कैसे हम केजी को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, अगर हमें कोई 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 मास हमें पता है किसी भी मैट्रिक का, तो उसको अगर हम कोई कोई हमें से हमसे कह दे ग्राम में कन्वर्ट करके बताइए, तो हम कैसे ग्राम में कन्वर्ट करेंगे ये देखिए।
7 केजी 750 ग्राम 1 केजी यू नो सबसे पहले हम 1 केजी का ही जानेंगे और 1 केजी का हमें अच्छे तरीके से लर्न है मालूम है क्या एक 1000 ग्राम 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम देयरफॉर 7 केजी 750 ग्राम इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 1000 ग्राम एंड प्लस 750 ग्राम 7 का मल्टीप्लाई 1 में किया और 7 का मल्टीप्लाई 1000 में किया है तो 7000 ग्राम एंड प्लस 750 ग्राम दोनों नंबर को एक साथ ऐड कर दिया देन गेट फ्री हैव टू फाइंड आउट 7750 ग्राम ये क्वेश्चन सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है इसमें भी हमने सेम प्रीवियस वर्क ही किया है ओके वन मोर क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट यूनिट्स का है जो अभी हमने दो यूनिट्स को देखा लीटर को एमएल के साथ वहां भी हमने 1000 का मल्टीप्लाई किया किलोग्राम के ग्राम के साथ वहां भी हमने 1000 का मल्टीप्लाई किया नेक्स्ट हमारा जो वर्क होगा दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 उसमें भी हम 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे मींस वो क्वेश्चन अगला यूनिट हमारा हमें थ्री डिफरेंट यूनिट्स के विषय में डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में जो जिसमें दो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है वन क्वेश्चन मोर और है जो हम 1000 के साथ मल्टीप्लाई करके उसको सॉल्व करेंगे क्या है एक किलोमीटर एंड 450 मीटर इसे मैं कन्वर्ट कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3 इसे भी हम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही करेंगे अभी तक हमने जो दोनों क्वेश्चन में 1000 का मल्टीप्लाई किया है एंड वी गेट चेंज इनटू द स्मॉलेस्ट यूनिट सेम उसी तरीके का हम क्वेश्चन नंबर 3 को भी करेंगे एंड डियर स्टूडेंट यू नो वेरी वेल 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर यू नो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर देयरफॉर वंस अगेन 8 किलोमीटर एंड 450 मीटर इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइंग 1000 मीटर बिकॉज़ 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 सो 8 मल्टीप्लाई 1000 मीटर एंड प्लस इसे भी आप ड्रॉ कर देंगे 450 मीटर ओके क्या किया हमने 8 मल्टीप्लाई 1000 मीटर एंड प्लस 450 मीटर क्या हुआ यहां पे 8 का 1000 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 8000 मीटर एंड प्लस 450 मीटर क्लियर क्या किया हमने 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया है 8 में तो 8000 हो गया और सेम ब्रिंग डाउन कर दिए 450 मीटर को इसे 450 मीटर को क्वेश्चन में जो दिया हुआ है इसके साथ हम कोई भी एक्स्ट्रा वर्क नहीं करेंगे सिमिलरली हर स्टेप पे इसको ड्रॉ करते जाएंगे बात समझ आ रही है सबको आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है 8000 मीटर एंड प्लस 450 तो 8000 मीटर एंड प्लस 450 मीटर इज इक्वल टू 0 5 4 एंड 8 मीटर यानी स्टूडेंट 8450 मीटर इज योर आंसर तो स्टूडेंट आपने यहाँ पे देखा कि हमने आज की वीडियो में आपको थ्री डिफरेंट यूनिट्स को स्मॉलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है ये हमने आपको बताया फर्स्ट क्वेश्चन हमारा लीटर इंटू एमएल था सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या था किलोमीटर इंटू मीटर था सॉरी ये किलोमीटर इंटू मीटर है सेकंड क्वेश्चन हमारा जो था वो केजी इंटू ग्राम में था तीनों डिफरेंट यूनिट्स को हमने एक कॉमन वर्क किया है क्या 1000 का मल्टीप्लाई किया है अगर आपने इस वीडियो में कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपको डाउट किया है तो आप तुरंत हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के उस क्वेश्चन के बारे में फिर से हमसे पूछ सकते हैं वहां भी हम आपको 100% सेटिस्फेक्शन देने की कोशिश करेंगे सो डियर स्टूडेंट थ्री क्वेश्चन को हमने यहाँ पे आज की वीडियो में सॉल्व किया है और मैं आशा करता हूं कि तीनों क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे और आने भी चाहिए क्योंकि हमने प्रीवियस क्लास में एक एक क्वेश्चन को बहुत ही डीपली एक्सप्लेन किया था इसीलिए आज हमने आपको ज्यादा डीपली एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है क्योंकि हम जानते हैं आप हमारे प्रीवियस वीडियो को देखे हैं और इस तरह के क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करना सीख लिया है यह हमारा वर्कशीट पोर्शन है इसमें हम रिवाइज कर रहे हैं सारे टॉपिक पे इसलिए हमने इसको बहुत ही हल्के तरीके से सॉल्व करके आपको बताने की कोशिश की है कि कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे
तीनों क्वेश्चन में हमने एक ही वर्क किया है, 1000 का मल्टीप्लाई किया है, चाहे किलोमीटर का मीटर के साथ हो, चाहे किलोग्राम का ग्राम के साथ हो, चाहे लीटर का एमएल के साथ हो, सबका वर्क एक ही है। इसलिए कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सीधे आप 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी गेट टू कन्वर्ट द स्मॉलेस्ट यूनिट एंड फाइंड आउट द करेक्ट आंसर। डियर स्टूडेंट, इस टाइप के क्वेश्चन को आप लीजिए और खुद सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप हमसे तुरंत उस पर डिस्कस कर सकते हैं, और अगर कोई स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रही है तो वह हमारे तुरंत प्रीवियस वीडियो को एक बार और देखें। मैं आशा करता हूँ सारे प्रॉब्लम आपका दूर हो जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे हम कल डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।